अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू आर यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 मई 2020, 31 मई 2020 है। हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड दीज करंट अफेयर्स आर क्रूशल फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें ज़रूर नोट डाउन कीजिए। ऑलराइट, और अगर आपको हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज़ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। सो जो विश्व का डाइजेस्टिव हेल्थ दिवस है वो कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 मई, ये मनाया जाता है 29 मई को। ऑलराइट, 29 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसे ऑर्गेनाइज करता है आपका वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WGO इसको ऑर्गेनाइज करता है। और जो आपका WGO है, इसका हेडक्वार्टर है आपका मिलवॉकी विस्कॉन्सिन यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑलराइट, और ये फाउंड हुआ था आपका 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे की, वो थीम थी आपका गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली फीफा हैज़ लॉन्च्ड द सेफ होम कैंपेन विद होम। तो रिसेंटली फीफा ने एक सेफ होम कैंपेन लॉन्च किया है, किसके साथ? वो किया है फीफा ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ऑलराइट, वर्ल्ड, आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है। मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया, ये दोनों चीज़ें आपने नीचे कॉमेंट बॉक्स में बतानी है। ऑलराइट, आर थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्लेयर ऑफ विच कंट्री शिहान मधुशांका हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर पजेसिंग हीरोइन। तो रिसेंटली एक जो देश है उसका एक प्लेयर है, उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके पास हीरोइन थी, यानी वो ड्रग्स लेता था। तो वो कौन सी कंट्री है? ये है आपका श्रीलंका। ऑलराइट, ये प्लेयर है आपका श्रीलंका का। और जो हमारा श्रीलंका है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी दो कैपिटल है, इसकी एक कैपिटल है कोलम्बो और सेकेंड कैपिटल है इसका श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। ऑलराइट, ये इसकी एक और कैपिटल, इसकी दो कैपिटल है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं आपके महिंदा राजापक्षा और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के गोटाबया राजापक्षा। ऑलराइट, PM है यहाँ के महिंदा राजापक्षा और प्रेसिडेंट है आपके गोटाबया राजापक्षा। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been nominated for the Arjun Award? तो अर्जुन अवार्ड के लिए किसे नॉमिनेट किया है? ये नॉमिनेट किया गया आपका मीराबाई छानू को। और मीराबाई छानू क्या है? ये हमारी वेट लिफ्टर है। ऑलराइट, ये वेट लिफ्टिंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गिवन लीगल रिकॉग्निशन टू गे मैरिज। तो कौन सी कंट्री ने लीगल कर दिया है कि गे आपस में मैरिज कर सकते हैं, उनको लीगली ये एक्सेप्टेबल होगा उस कंट्री में? तो ये है हमारी कंट्री कोस्टारिका। ऑलराइट, कोस्टारिका की कैपिटल क्या है? कोस्टारिका की कैपिटल है सैन होजे। ऑलराइट, ये कोस्टारिका की कैपिटल है। और कोस्टारिका में जो करेंसी चलती है वो चलती है कोस्टारिकन कोलोन, यहाँ करेंसी चलती है। ऑलराइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज रिसेंटली द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट अजीत जोगी हैज पास्ट अवे। तो रिसेंटली पहले चीफ मिनिस्टर कौन से स्टेट के हैं वो अजीत जोगी, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है? वो थे आपके छत्तीसगढ़ के। ऑलराइट, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर थे। और अभी छत्तीसगढ़ के बारे में एक आप जान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अभी जो आपकी सी घाट ऐप जो है वो भी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है। और पढ़ाई तुहार द्वार, ये ऐप भी छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी यहाँ पर स्टार्ट हुई है छत्तीसगढ़ में। ये जो तीन चीज़ें हैं ये रिसेंटली आपका छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो हमारी छत्तीसगढ़ है, इसका कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल होती है आपका रायपुर। और यहाँ के जो CM हैं वो हैं भूपेश बघेल, जो हैं आपके
छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आपकी अनुसुईया उके, अनुसुईया उके यहाँ की गवर्नर हैं। ऑल राइट, एक्सप्रेशन पे चलते हैं, वो है आपका हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ मैथिल वीरंगाना। तो मैथिल वीरंगाना का टाइटल रिसेंटली किसे मिला है, वो मिला है आपका ज्योति कुमारी को। ऑल राइट, ज्योति कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च द इंस्टेंट ई पेन फैसिलिटी रिसेंटली। सो अभी रिसेंटली ई पेन यानी जो इलेक्ट्रॉनिक पेन कार्ड की फैसिलिटी है वो किसने रिसेंटली लॉन्च की है, वो किया है आपका निर्मला सीतारमण ने। ऑल राइट, निर्मला सीतारमण ये कौन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इट्स 800 किलोमीटर रोड्स एज हर्बल रोड। तो कौन से स्टेट ने अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने जो उसकी 800 किलोमीटर की रोड है उसको एज अ हर्बल रोड की तरह डेवलपमेंट वहाँ करेगा, ये है आपका उत्तर प्रदेश। ऑल राइट, इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में और भी कुछ जान लीजिए, उत्तर प्रदेश वो पहला स्टेट है जिसके पास जियोटेक कम्युनिटी किचन है। ऑल राइट, ये फर्स्ट स्टेट है। और इसका एक और बात जान लीजिए, इसी ने लॉन्च किया है, ये पहला स्टेट बना है जो कि वर्चुअल कोर्ट के थ्रू हियरिंग करेगा। और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी इसी ने लॉन्च किए। आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसकी कैपिटल है आपका लखनऊ, यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ JP Morgan साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो आपको बताना है कि कौन न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं JP Morgan साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के। तो ये है इसका करेक्ट आंसर आपका लियोपुरी। तो ये अपॉइंट हुए हैं लियोपुरी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द रीसेंट 36 नेशनल गेम्स पोस्टपोन इनडेफिनेटली। तो रिसेंटली 36 नेशनल गेम्स कहाँ पर पोस्टपोन हो चुके हैं, वो हुए हैं आपके गोवा में पोस्टपोन। और एट गोवा में होने थे लेकिन अब पोस्टपोन हो चुके हैं। और गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल आपका पणजी। ऑल राइट, पणजी गोवा की कैपिटल है। और गोवा में जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं आपके प्रमोद सावंत, यहाँ के गवर्नर हैं आपके सत्यपाल मलिक। ऑल राइट, सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ लोन अग्रीमेंट ऑफ $177 million विद ADB फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ऑफ विच स्टेट। तो हाल ही में अभी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है $177 million का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, कौन से स्टेट में इंडिया के। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रोड का कंस्ट्रक्शन होगा इसीलिए लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है। ऑल राइट, और आपका जो महाराष्ट्र की कैपिटल है वो है आपका मुंबई, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मैंने आपको कल परसों की वीडियोस में बताया है। और इसके प्रेसिडेंट आपने नीचे कमेंट बॉक्स में, दोनों चीज़ें आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है। ऑल राइट, आप कुछ जान लीजिए आपके महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शंस। यहाँ के जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं आपके दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। यहाँ के जो कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं अक्सर एग्जाम्स में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, वो हैं आपके संजय गांधी नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क। ऑल राइट, अभी अभी एक रिसेंटली एक बुक है जो वो लॉन्च हुई थी महाराष्ट्र में, वो थी शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो ये भी महाराष्ट्र में लॉन्च हुई। और इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ये भी महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है Who has recently appointed as the new managing director and chief executive officer of Wipro? तो recently MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं विप्रो के, वो हैं आपका थेरी डेलापोर्टे। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर सी ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड हाई एनर्जी लेज़र वेपन रिसेंटली। तो कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाई एनर्जी लेज़र वेपन को रिसेंटली, ये है आपका USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसे टेस्ट किया है। USA की कैपिटल है आपका Washington DC। और राइट, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ करेंसी चलती है US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली
आर श्रीलेखा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच स्टेट। तो रिसेंटली आर श्रीलेखा अभी अपॉइंट हुई हैं पहली महिला डीजीपी। ऑलराइट, कौन से स्टेट की हैं वो, इसका करेक्ट आंसर है केरला, केरला की। ऑलराइट, केरला की कैपिटल है आपका थिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम हैं आपके पिनरई विजयन, यहाँ के गवर्नर हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। ये कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अभी कल हमने आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछा था, वो ये था विच स्टेट गवर्नमेंट टेक ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यू टू कोरोना वायरस। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ले लिया है अपने अंडर कोरोना वायरस के चलते। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, वो है रेलवेज हैज़ रिसेंटली इंक्रीज द पीरियड ऑफ एडवांस रिजर्वेशन फ्रॉम 30 डेज टू हाउ मेनी डेज। तो रेलवे ने रिसेंटली जो अपना एडवांस रिजर्वेशन का पीरियड है, पहले 30 डेज का होता था, लेकिन अब उसने बढ़ाकर कुछ कर दिया है। जो भी कर दिया है उसका करेक्ट आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही, और अगर आपको हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी कनेक्ट होना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा। आप इजीली हमसे वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, हमारी वीडियो कम्प्लीट होती है। हैव ए नाइस डे।